13 lakh एक शोरूम, लो माइलेज, टफ स्मूथ राइड, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे होती हैं लेकिन इसमें नहीं है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिस इज महिंद्रा थार, मैं हूँ फरजान। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के किस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार पेट्रोल के बारे में। दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जो महिंद्रा थार के बारे में लोगों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, लेकिन वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दूर कर देंगे। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी जो है इस पे वेटिंग पीरियड सूरत में है ही नहीं, आप जाएंगे वन डे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सो गाइस गो अहेड चेक आउट दिस एट नानावती महिंद्रा। लेट्स स्टार्ट विद इट्स प्राइस। थार पेट्रोल स्टार्ट होती है 12.78 लाख एक्स शोरूम से और एंड होती है 14.88 लाख एक्स शोरूम पे। इस गाड़ी में आपको मिलता है 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर एट 3000 आरपीएम और 320 न्यूटन मीटर स्टॉक फ्रॉम 1500 टू 3000 आरपीएम। ये रेंज काफ़ी अच्छी है एक पेट्रोल इंजन के हिसाब से और इसका जो पावर है वो मिड रेंज में बहुत ही सही है। टॉप एंड में थोड़ा सा लैग करता है लेकिन ये एक ऑफ रोडर के लिए बहुत ही बढ़िया है। जो पावर डिलीवरी है दोस्तों काफ़ी लीनियर है, आपको एकदम पुल वाली फीलिंग नहीं आएगी बिकॉज इट्स एन ऑफ रोड व्हीकल, तो आपको जो लो एंड टॉक है वो भी अच्छा खासा आपको देखने मिलता है। इसमें क्रॉलिंग फीचर भी है यानी कि आप ड्राइव पे डाल के छोड़ देंगे तो वो गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी, वो ऑफ रोडिंग में काफ़ी यूजफुल रहता है। उसके अलावा दोस्तों ये गाड़ी एक प्रॉपर 4x4 है यानी कि इसमें आपको फोर व्हील ड्राइव सिस्टम देखने मिलता है जिसमें 4 हाई 4 लो है, जिसकी मदद से आप हर टेरेन को बहुत ही ईजीली पार कर सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी चौड़ी और काफ़ी बड़ी है विच लीड्स टू अ ग्रेट रोड प्रेजेंस। दोस्तों जो इसके हेडलैम्प्स है वो LED नहीं है लेकिन स्टिल बहुत ही ब्राइट है और रात में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन के दो ऑप्शन है, एक 6-speed ऑटोमेटिक और एक 6-speed मैनुअल। आई वुड एनी डे प्रीफर मैनुअल लेकिन इसका जो ऑटोमेटिक है जो कि हम अभी चला रहे हैं इट्स नॉट एट ऑल बैड, मतलब सिटी में आप चलाएंगे यू विल बी वेरी हैप्पी विद द ट्रांसमिशन ऑफ दिस कार क्योंकि ये अच्छा खासा शिफ्ट करता है, सिटी में बिल्कुल भी लैग फील नहीं होता। ऑल्दो जब आप लॉन्च वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे मैनुअल मोड भी आपको अवेलेबल मिलता है जिससे आप प्लस माइनस करके गियर रेशियोज अपने आप से शिफ्ट कर सकते हैं और ये बेस्ट बात है इसकी कि ये लॉक हो जाता है अपने गियर पे, ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं करता। जब आरपीएम बढ़ जाता है आप शिफ्ट करेंगे तो ही गाड़ी शिफ्ट होगी विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग इन ऑफ रोडिंग। जब ऑफ रोडिंग पर आप जाते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड गियर का ही ज़्यादा काम होता है, दैट्स द रीज़न कि इसमें लॉक हो जाती है शिफ्ट, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं होंगे। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी काफ़ी ट्रेमेंडस है, द सस्पेंशन वर्क प्रीटी वेल, आपको सिटी के छोटे मोटे गड्ढे कहीं फील नहीं होंगे दोस्तों, एंड दैट्स द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस कार। दोस्तों गाड़ी बहुत ही बढ़िया है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे होनी चाहिए थी और नहीं है। सच एज देखा जाए तो रिवर्स पार्किंग कैमरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर और दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब इट्स ओके कि नहीं है लेकिन चलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते हैं, इट्स ऑल फैंसी फीचर्स। पुश बटन स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे फ्लिप की आपको देखने मिलती है, डायरेक्ट इंसर्ट करके चालू कीजिए, कोई भी मतलब फैंसी गिमिक फीचर्स नहीं है, नो फैंसी गिमिक, ऑल प्योर रॉ फीलिंग। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि इस गाड़ी में मिलती है, इसके कंपटीशन में नहीं मिलती, ऐसे जिसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, ये 4x4 में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं होती इसमें है, जैसे कि पार्किंग के टाइम पर जो है आपको इसमें टायर डायरेक्शन मीटर देखने मिलता है जिसकी वजह से पार्किंग के टाइम पर आपको उतर के गाड़ी देखना नहीं मिलता कि टायर टेढ़ा है कि नहीं, आप अंदर बैठे बैठे देख ले सकते हो कि कितने डिग्रीज टेढ़ा हो आपका टायर। तो पंच में भी है? हाँ बट इसमें भी है। एज यू कैन सी इसकी राइड हाइट जो है बहुत ऊपर है तो ऐसा नहीं है कि आपको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगी बिकॉज यू हैव अ फुट स्टेप यानी कि आप इजीली चढ़ सकते हो और गाड़ी के अंदर आराम से चढ़ सकते हो और उतर भी सकते हो। ये कार सब 4 मीटर है लेकिन अच्छी खासी लंबी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट भी देखो तो मेरे से थोड़ी सी लंबी है ये गाड़ी। यू गो ऑन बड़ी फुल साइज आपको स्पेयर व्हील, अरे आई एम हियर फुल साइज आपको स्पेयर व्हील देखने मिलता है 255/65 R18 विद एन अलॉय, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि ऑफ रोडर्स में अक्सर हमें देखने मिलती है। और ये जो बूट है ये दो तरह से खुलता है, हाफ ऐसा और ऊपर यहाँ पे विंडो इस तरह खुलता है। बूट स्पेस इज नेगेजिबल लेकिन आप बैठ सकते हो, इतना मैं कह सकता हूँ आप बैठ सकते हो। अब मैं और कुछ गाड़ियों में बताने वाला हूँ नहीं, सिर्फ बात होगी इंजन के बारे में, तो आपको गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें देखनी है यहाँ पे क्लिक कीजिए, कार्ड आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हो। ड्राइवर साइड में आपको ये थोड़ा सा लेदर का इस्तेमाल देखने मिलता है, बाकी फैब्रिक सीट है और ये हाइट एडजस्टेबिलिटी भी है। बाकी जो भी इंटीरियर की चीज़ें हैं वो सारी जो पहले आ रही थी वही वीडियो में जाकर देख लो, हमारा चैनल चेकआउट कर लो यार, सब्सक्राइब तो कर ही देना प्लीज़ सब्सक्राइब।
The more and more I drive the Mahindra Thar, it tries to impress me every single time. Mahindra Thar is not just a car, it's an emotion. Many people have a special place in their hearts for the Mahindra Thar, and thus the craze people have for the Thar in India. आपको चाहे doubt हो या आपके पास कोई feedback हो, जरूर comment कर दीजिएगा, मैं comments का इंतजार करता हूँ, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सवारी की दुआ पढ़िए, अल्लाह हाफिज। प्रॉपर थर्ड, इसका डोर ऐसे बंद नहीं होता, ये है थर, ऐसे पूरी गाड़ी हिल जानी चाहिए। ये क्या 4x4 आधा सम छोड़ देता, इज इक्वल टू 16 कौन लिखेगा यार।